नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बारे में। दोस्तों, एक महीने में ये दूसरा मौका है जब पीएम नेतन्याहू को सीधा निशाना बनाया गया है। इस बार उनके सिजेरिया स्थित घर पर फ्लेयर्स यानी कि आग के गोले दागे गए। अब इस घटना ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था और उनके आयरन डोम सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। तो दोस्तों, आज अपने वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि ये हमला कब और कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था क्यों कमजोर साबित हो रही है और इस घटना के पीछे छुपी बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये हमला कैसे और कब हुआ। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित आवास पर ये हमला 17 नवंबर की रात को हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार दो फ्लेयर्स उनके घर के आंगन में गिरे। हालांकि हमले के वक्त पीएम नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। इस घटना की पुष्टि इजराइल की पुलिस ने की है, लेकिन हमलावर कौन था और ये हमला कहां से किया गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी शेयर नहीं हुई है। आपको बता दूं दोस्तों कि इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बयान जारी कर कहा है कि इस हमले में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है और जांच जारी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया गया। 19 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला ने ड्रोन हमले के जरिए पीएम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया था। उस ड्रोन में विस्फोटक भरे हुए थे, लेकिन वह घर के पास एक इमारत पर गिरा। इस घटना में भी किसी को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये साफ संकेत है कि नेतन्याहू पर खतरा तो मंडरा रहा है। अब इस हमले के बाद दोस्तों, इजराइल की राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष के नेता यायर लेपिड और बेनी गेंट्स ने इस घटना की घोर निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब हद पार हो गई है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से तुरंत एक्शन लेने की अपील की है। चलिए अब बात करते हैं इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था की, जिसे दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। दोस्तों, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, लेकिन छोटे रॉकेट, ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइलों को रोकने में ये विफल हो रहा है। इस पर इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ रिलन एंटेबी का कहना है कि ड्रोन हमले को रोकना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये काफी नीचे उड़ते हैं और इसमें विस्फोटक भरे होते हैं। अब दोस्तों, आयरन डोम बड़े पैमानों पर हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और यही इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। चलिए अब बात करते हैं कि इस घटना के पीछे कौन हो सकता है। तो दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन कुछ संभावित ऑप्शंस पर नजर डालते हैं तो हिजबुल्ला, हमास और आंतरिक असंतोष इसका कारण हो सकते हैं। हिजबुल्ला पहले भी पीएम नेतन्याहू को निशाना बना चुका है। ये लेबनान स्थित आतंकी संगठन लंबे समय से इजराइल के खिलाफ एक्टिव है। इसके अलावा गाजा पट्टी में एक्टिव हमास इजराइल पर हाल ही में कई हमले कर चुका है। हालांकि इस हमले में हमास का नाम अभी सामने आया नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल में हाल ही में कई सामाजिक और राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, तो ये भी संभव है कि ये हमला किसी असंतुष्ट गुट ने किया हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।